कोई जरूरत नहीं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ भारत का विकास होना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, क्रिश्चियन, ये कर करके लोगों को सुतिया बनाता है और आदिवासी इनको वनवासी कहता है। बाकी कुछ करता नहीं वो। अच्छा, तो आदिवासी समाज सीएए का समर्थन नहीं करता? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों, हम आदिवासी जितने भी लोग आए हैं ना बाहर से, किसी को भेदभाव आज तक नहीं किया। ये ईवीएम हटा लेना चाहिए, नहीं तो फोड़ डालेंगे हम। आप ईवीएम पे आ गए, आप ईवीएम को फोड़ने की बात कर रहे हैं, बताइए कैसी भाई, ये क्या बात हुई? ईवीएम को फोड़ेंगे? फोड़ डालेंगे। हमारा जब मकसद खराब हो गया ना आदिवासी का, ईवीएम मशीन भी तोड़ डालेंगे हम। झूठा आदमी कभी नहीं लागू करेगा। की सरकार आई है, अब हिंदू परेशान नहीं होगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू आ जाएगा और सीएए के तहत जो है नागरिकता मिल जाएगी। ये जो है ना, कोई जरूरत नहीं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ भारत का विकास होना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, क्रिश्चियन, ये कर करके लोगों को सुतिया बनाता है और आदिवासी इनको वनवासी कहता है। वनवासी आदिवासी आए भी नहीं, गए भी नहीं, यहाँ मूड बीज है आदिवासी का। और कहाँ हमें तो कहता है कि तुम क्रिश्चियन हो, ये हो, वो हो, झगड़ा लगाता है और सुन के जाता है। और कारपोरेट घराने के पूंजी उनका तुमड़ी भरता है, बाकी कुछ करता नहीं वो। अच्छा, तो आदिवासी समाज सीएए का समर्थन नहीं करता? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों, हम आदिवासी जितने भी लोग आए हैं ना बाहर से, किसी को भेदभाव आज तक नहीं किया। आज तक किसी के नहीं किया, इसलिए तो सारे धर्म के लोग, सारी जाति के लोग भारत में है ना। हमें जग चाहिए, लेकिन इंसान जगना चाहिए सारे देश में। आदिवासी भी तो आएंगे आपके साथ? तो आए तो क्या फर्क गिरने वाला है? इंसान चाहिए, सारा जग चाहिए हमें। टुकड़ा टुकड़ा करके यह क्या करने वाला है? टुकड़े टुकड़े गैंग तो कांग्रेस में होते हैं। वो तो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलता है, कुछ भी बोलता है। लोगों का ध्यान भटकाता है, घोड़े को जैसा झपड़े रहता है ना, उसी तरह को गुमराह करता है और चुन के जाता है। अभी नहीं चलने वाला, ये ईवीएम हटा लेना चाहिए, नहीं तो फोड़ डालेंगे हम। आप ईवीएम पे आ गए, आप ईवीएम को फोड़ने की बात कर रहे हैं, बताइए कैसी भाई, ये क्या बात हुई? ईवीएम को फोड़ेंगे? फोड़ डालेंगे। हमारा जब मकसद खराब हो गया ना आदिवासी का, ईवीएम मशीन भी तोड़ डालेंगे हम। क्यों तोड़ देंगे? क्योंकि वो ईवीएम में जो अभी दो बार यो है करके चुन के गया है ना, राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, विधानसभा में, एमपी में देखा, यो ईवीएम हेट करते वो जीतता है ना, ये तो तोड़ेंगे ही लोग। अभी तो लोगों ने ये सब जो बात है ना ध्यान में आ गई है। हम जब पढ़े लिखे नहीं थे ना, जब हमें हिस्ट्री मालूम नहीं थे, अब हम थोड़े पर कुछ न कुछ पढ़ने लगे तो हम समझ गए अभी इनकी चालाकी क्या है। क्या चालाकी है इनकी? सब कुछ चालाकी है ना, उनकी से चालाकी है ना। अभी ईवीएम में जो हैक करता है ना, वो एक ही इंजीनियर है वो सारे देश के अंदर। और मीडिया जो भी है, कॉर्पोरेट जो घराना है ना, मोदी क्या बोलता है, 70 वर्ष में कांग्रेस क्या क्या ऐसे बोलता ना, ये किसकी दौलत है? मोदी तो अभी आया ना, मोदी तो अभी है ना, अभी नहीं आया, 10 साल हो गए। 10 साल हुआ ना, 10 साल में क्या किया? ये सब रास्ता भी तो कांग्रेस भाई बना है, वो सब ईमान ईमान हेलीकॉप्टर भी कांग्रेस भाई बना। मोदी क्या किया, क्या किया? सब आके विश्वगुरु बनाया भारत, विश्वगुरु मोदी बनाया, वो कहते हैं मोदी बनाया। अरे मोदी क्या बनाएंगे? अरे इसका परिवार नहीं, वो मोदी क्या बना सकता? जब इसको घर को शुद्धि नहीं है तो वो देश को समाएंगे? वो साला देश में लड़ाई लगाने का धंधा करता है, देश में लड़ाई लड़ाने का धंधा करता है, ये कहना है नंदुरबार में आए आदिवासी समाज के उन लोगों का जो यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं, राहुल गांधी को सुनने के लिए आए हैं।